आज डिस्कस करेंगे लाइन और प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। जो प्लांट के अंदर हम लाइन और प्रोडक्ट लेआउट यूज़ करते हैं, ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि इसका नाम दिया गया है, लाइन और प्रोडक्ट लेआउट मीन्स ये एक लाइन में सारी मशीन हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। मीन्स जो एक प्रोडक्ट हमारे पास, मान लीजिए रॉ मटेरियल आता है, जो भी रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, तो वो हमारा पहले जाएगा पहली मशीन के पास, उसके ऊपर वर्क होगा, उसके ऊपर वर्क होने के बाद वो जाएगा दूसरी मशीन के पास, इसी तरह से वो तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से मशीन के पास जाता रहेगा और प्रोडक्ट तैयार होता चलेगा हर स्टेज में। तो जब लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, इंस्पेक्शन होगी उसकी और उसको डिस्पैच कर दिया जाएगा। मीन्स इन लाइन लेआउट है ये, या फिर हम कह सकते हैं और प्रोडक्ट लेआउट है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हम मशीन को एक सीक्वेंस में लगाते हैं कि पहले कौन सा उस पर वर्क होगा, दूसरा कौन सा वर्क होगा, तीसरा कौन सा वर्क होगा, इस तरह से लास्ट की मशीन तक वो तैयार होने तक एक सीक्वेंस में चलता है, और तैयार होने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है और उसको हम डिस्पैच कर देते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को लाइन और प्रोडक्ट लेआउट बोला जाता है, जिसको हम अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट तैयार एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना है उसी तरह का सीक्वेंस होगा। तो ये जो है हमारा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के अंदर आता है। अगर हमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चाहिए तो इस लेआउट के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा, ये मास प्रोडक्शन के अंदर आता है कि अगर हमें मास प्रोडक्शन करनी है तो मींस इसके थ्रू हम कर सकते हैं। एक रिपीटेटिव वर्क है, हर एक मशीन पे एक वर्कर है जिसको पता है कि मुझे सिर्फ यही काम करना है। तो पहली मशीन पे वर्कर को पता है तो वो फटाफट प्रोडक्ट को बनाएगा, उस पर वर्किंग करेगा और उसको आगे निकालेगा। तो दूसरी पे जाएगा, दूसरी मशीन पे जो वर्क होना है वो वर्कर उस पर करेगा, उसको तीसरी पे जाएगा प्रोडक्ट। तो इस तरह से वो एक लाइन में चलेगा और प्रोडक्ट तैयार होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सिक्वेंस लिया है, जैसे LMDGID, हमने ये जो नोटेशन ली है यहाँ पे दिखाई है। जैसे L लेथ मशीन पे जाएगा प्रोडक्ट, वहाँ पे टर्निंग हो सकती है उसकी, फेसिंग हो सकती है, नर्लिंग हो सकती है, जो भी हम यहाँ लेथ पे उसकी थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो भी लेथ के फंक्शन हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। मीन्स एक ही फंक्शन जो हमने चूज़ किया है, मान लीजिए उसकी फेसिंग करनी है तो फिर उसकी मिलिंग करनी है, फिर उसकी ड्रिलिंग करनी है, उसके अंदर होल करना है, फिर उसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसकी फिनिशिंग करनी है, या उसका थोड़ा बहुत डायमेंशन कम करना है, और फिर उसकी इंस्पेक्शन करनी है कि वो प्रोडक्ट ठीक बना है, और डी डिस्पैच, उसको डिस्पैच कर देना है। तो इस तरह से एक लाइन के अंदर पूरा सीक्वेंस चलेगा और हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इस तरह के लेआउट को हम लाइन और प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।